हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं रत्नभूषण, वेलकम टू द प्रोग्राम द ग्रेट भारत एंड द ग्रेट पीपल। गुड इवनिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू एंड फॉर द पीपल ऑफ आर नेशन। इट विल कवर योर पर डे एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड सजेशन फॉर यू सो दैट वी कैन मेक दिस कंट्री मोर ग्लोरियस इन द होल वर्ल्ड। द फोटोग्राफ व्हाट आई एम शोइंग यू इन माई कैमरा, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिंदू न्यूज़ पेपर, 4,500 ईयर ओल्ड टूम डिस्कवर्ड इन इजिप्ट, न्यूली डिस्कवर्ड ए बोरियल स्टेट साइट, द टूम्ब ऑफ बेखनूल का अनुई नियर द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा नियर कायरो, द सिमेट्री हाउसेज बोरियल साफ्ट एंड द टूम्स ऑफ द टॉप ऑफिशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड वॉज लाइम स्टोन स्टैचू ऑफ द टूम्स ओनर, हिज वाइफ, हिज सन, डेटिंग बैक टू द फिफ्थ डायनेस्टी, 2465 टू 2323 BC। तो मतलब ये जो पीरियड है ये हरप्पा सिविलाइजेशन का पीरियड है, बिकॉज इट इज सेड दैट द हरप्पा सिविलाइजेशन फ्लरिस्ट बिटवीन 2750 टू 1750। तो ये हरप्पा सिविलाइजेशन का पीरियड का ये टूम है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप, सबसे पहले मैं आज न्यूज़ देने से पहले आप सभी मेरे दोस्तों को जो सब्सक्राइब किए हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आई एम ग्रेटली एंड हाईली कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एंड सेइंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टूडेज आर, सेस्मिक वेव बताएगी रेलवे ट्रैक पर कौन है। जिन तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता, अब वही तरंगे रेलवे ट्रैक पर होने वाली हादसों में वन्य जीवों को बचाएंगे। सेस्मिक वेव पर आधारित इस तकनीक पर देश में पहली बार उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में काम हो रहा है। इससे मिलने वाले सेस्मिक सिग्नेचर से पता लग गया कि रेलवे ट्रैक के पास कौन से जानवर की मौजूदगी है। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना रिजर्व प्रशासन के साथ ही रेलवे अधिकारियों को दी जाएगी। यह एडवांस एनिमल डिटेक्शन सिस्टम करीब 1.5 माह में आकार ले लेगा। राजाजी रिजर्व में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कांसरों, मोतीचूर, हरिद्वार के बीच होगा, जहां वन्य जीव के ट्रेन की चपेट में आने की घटनाएं अक्सर सुर्खियां बनी रहती हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व भी देश के उन संरक्षित क्षेत्रों में शामिल है जहां गुजर रही रेलवे लाइन वन्य जीवों के लिए काल बन रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 30 साल में इस रिजर्व और इसे लगे रेलवे ट्रैक पर 29 हाथियों की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रही समस्या के निदान के लिए सेस्मिक वेव आधारित एडवांस एनिमल डिटेक्शन सिस्टम विकसित करने का निश्चय किया गया। केंद्र सरकार के उपक्रम सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़, भारतीय वन्य जीव संस्थान, विश्व प्रकृति निधि और राजाजी टाइगर रिजर्व इस पहल को मुकाम पहुँचाने में जुटे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्तराखंड में जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, सेस्मिक वेव बताएगी। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज युद्ध पोत निर्माण के लिए भारत में होगा 65,000 टन के विमान वाहक युद्ध पोत का निर्माण। भारत अपनी नौसेना के लिए एक अत्याधुनिक विमान वाहक पोत खरीदने के लिए ब्रिटेन से बातचीत कर रहा है। ब्रिटेन के एच एम एस क्वीन एलिजाबेथ की तर्ज पर बनने वाले इस युद्धपोत का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही होगा, लंदन के एक अखबार ने जानकारी दी। दैनिक लंदन मिरर के मुताबिक भारतीय सेना के लिए 65,000 टन के ब्रिटिश युद्धपोत की विस्तृत डिजाइन के खरीद के लिए बातचीत चल रही है। HMS क्वीन एलिजाबेथ की तरह बनने वाली इस युद्धपोत को वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसका नाम आईएनएस विशाल होगा। अखबार के मुताबिक इसके लिए भारत एक प्रतिनिधिमंडल स्कॉटलैंड स्थित रोसिट डॉकयार्ड भी गया था। यहीं पर HMS क्वीन एलिजाबेथ को असेंबल किया गया था और दूसरे युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का निर्माण चल रहा है। रोसिट डॉकयार्ड, जोर से बोलिए, रोसिट
डॉकयार्ड। खबर में दावा किया गया कि अगर यह सौदा होता है तो नए युद्ध पोतों का निर्माण तो भारत में होगा ही, लेकिन ब्रिटेन की कंपनियां इसके कई पार्ट्स की आपूर्ति कर सकती हैं। अखबार ने यह भी कहा है कि नया युद्ध पोत भारत के 45,000 टन की युद्ध पोत आईएनएस विक्रमादित्य और युद्ध नौसेना में शामिल होने वाले 40,000 टन की आईएनएस विक्रांत के साथ काम करेगा। भारत ने आईएनएस विक्रमादित्य को 2004 में रूस से खरीदा था। इसके आने के बाद भारतीय विमानवाहक पोत का बड़ा बेड़ा ब्रिटेन से भी बड़ा हो जाएगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री स्टुअर्ट एंड्रयू ने इस खबर का टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका भारत के साथ उपकरण और क्षमता के मुद्दों पर नियमित बातचीत होती है। अभी इस पर किसी तरह का बयान देना सही नहीं है। इससे पहले 1887 में भारत ने ब्रिटेन से फॉक्सलैंड्स युद्धपोत HMS हर्मिस खरीदा था, जिसे INS विराट नाम दिया गया। हालांकि 2 साल पहले यह युद्धपोत नौसेना में से अलग हो गया। तो भारत की शक्ति बढ़ती हुई डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे देशवासियों को। इसलिए अपने कामों में ईमानदारी, ऑनेस्टी, कैरेक्टर और नॉलेज को बढ़ाइए। सीकिंग एंड सीइंग पैरेलल्स डज नॉट अंडरमाइन साइंस। द मैगजीन सप्लीमेंट ऑफ दिस न्यूज़पेपर रिसेंटली कैरीड अ स्पेकुलेटिव पीस ऑन होल ब्लैक होल्स बाय विक्रम जोशी। मिस्टर जोशी फैसिनेटेड बाय द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ द ब्लैक होल दैट वॉज अनवेल्ड बाई एस्ट्रोनॉमर्स इन अप्रैल रोड दैट देर आर मेनी striking parallels between Eastern thought and modern astrophysics, especially in their imaging of space, time and birth of the universe. Responses from the scientist Ajit M. Srivastava, professor at the Institute of Physics, Bhubaneswar, wrote to us saying that they trusted only the Hindu for reliable science coverage in India, but that publication of Mr. Jutsi article that had second his faith in the newspaper. Ravinder Banyal of the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, wrote a stinging mail. The author has absolutely no idea about the process of the discovery and underlying rigor that marked the success of modern science. And the last important fact of today's fair trade in Delhi. At the WTO mini-ministerial meet, developing countries must make a case for stable and transparent multilateral trade. This is an article of Hindu newspaper. India will host the second ministerial meet of the World Trade Organization WTO on May 13 to 14, 2019 to discuss the interest of the developing and the least developed countries in global trade. This informal meet will also focus on the acquisition of the US that these economics benefit from exemptions from mint from the poorer nations. Overall, it could be a preparatory meeting to set a common agenda at the 12th ministerial conference scheduled for June 2020 at the Astana, Kazakhstan 11th ministerial conference, Buenos Aires, December 2017, collapsed despite efforts of 164 WTO members to evolve a consensus on several issues. The US has refused to reduction in the subsidies and also pulled back on its commitment to find a perennial solution to public stockholding, an issue central to developing and less developed countries. In fact, the deadlock left many trade analysts wondering whether this was the beginning of the end for the WTO. Despite the earlier outcomes of the mini ministerial meeting, Delhi meet has created some hope for it being a platform to resuscitate the WTO. The issue under discussion will relate to protectionist major digital trade, fishery, subsidies, environmental goods, standardization, implementation of sanitary and phytosanitary measures, and other matters ripe for negotiation, agreement, and mainly investment facilitation from a plurilateral approach towards multilateralism. Members also ensure the
sanctity and the drivability of the WTO. It is the therefore indispensable to bring mutual accord mainly on the timelines to implement policies and outcome of the talks. It may be useful to recollect the WTO replaced the General Agreement on Tariff and Trade, GATT, as an international organization mainly to overcome tussle over trade interest. The economies of the developing and less developed world with a little bargaining power were unable to gain market access in most of the developed economies. Speculative when it comes to agricultural commodities. The deadlock on the issue of agricultural trade negotiation first in the late 1980s and then 2017 was no surprise. The disagreement between developed countries, the European Union and the US and developing countries, Malaysia, Brazil, India to discipline the firm regime in their favor continue thereby threatening WTO's comprehensive development agenda. So these are the most important fact of today's. My dear students, please share, subscribe and like and develop honesty, character and knowledge to make a beautiful India. Thank you. Thank you very much. God bless you. God bless India.